माय नेम इज कुंजन ठाकुर, फार्मासिस्ट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, वर्किंग इन साईनाथ मेडिकल स्टोर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जाने वाला हूँ, आज से नहीं बाकी काफ़ी सालों से चर्चा में है, महाराजाओं के टाइम से, देवी देवताओं के टाइम से, भगवान के टाइम से। इसमें गाना भी बना हुआ है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला। तो आज ये टॉपिक इसी पे है, गोरा बनने के लिए कौन सी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है। चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। एक्चुअली इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग अपनी स्किन से खुश नहीं है। जो सांवला है उसको गोरा बनना है, जो गोरा है उसको और ज़्यादा गोरा बनना है। और इसी चक्कर में रात को 12 बजे के बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके कंपनियाँ आती है। क्या उसके नाम है वो मैं बताऊँ आपको? नाम मैं नहीं बता सकता ऑनलाइन। और काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ इंडिया को टारगेट करती है फेयरनेस के लिए। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें हर 100 मीटर्स पे एक ब्यूटी पार्लर है। हर 100 मीटर्स, मतलब आप गली में जाइए, नुक्कड़ में चाहिए, किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपको वहाँ पे जो है वो ब्यूटी पार्लर ज़रूर मिलेगा। मतलब आप सोचिए, एक तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे अलग अलग लोग हैं, इतने सारे त्यौहार हैं, हर त्यौहार के वक्त लोगों को अच्छा दिखना है, गोरा दिखना है। आप मैट्रिमोनी साइट्स में जाएंगे तो लड़कों की और लड़कियों की पहली डिमांड होती है कि मुझे गोरी लड़की चाहिए या मुझे गोरा लड़का चाहिए। जो सास है वो बोलती है मुझे गोरी बहू चाहिए, जो देवर है वो बोलता है मुझे गोरी भाभी चाहिए। अरे क्या लगा के रखा है, सबको गोरा होना है। लेकिन समझिए दोस्तों कि इस तरह किसी के झांसे में आने से ये मल्टीनेशनल कंपनियों सालों से जो साबुन बना रही है, क्रीम्स बना रही है, फेस वॉश बना रही है, जो गोरा होने का दावा करती है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। हम अपने आस पड़ोस के लोगों को इतने सालों से देख रहे हैं जो यूज़ कर रहे होंगे, किसी को बता नहीं रहे, लेकिन आज तक कोई गोरा हुआ क्या? नहीं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके पीछे साइंस लगता है, वो कोई फेक नहीं है। तो उसमें आज एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी लेने से, लगाने से, इस्तेमाल करने से आपकी जो सांवली स्किन है उसमें गोरेपन का एक अलग अलग शेड आएगा। तो चलो इसी बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट है। एक एज फाइन क्रीम, इसमें लिखा हुआ है पाइए जवान और निखरी त्वचा एल ग्लूटाथियोन गुणों के साथ, स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग विद पावर ऑफ एल ग्लूटाथियोन। मतलब इसमें एल ग्लूटाथियोन नाम का ड्रग कंटेंट है और वो स्किन वाइटनिंग का काम करती है। दूसरी है वही हीलिंग फार्मा की एज फाइन फेस वॉश, द सेम एंटी एजिंग एंड स्किन वाइटनिंग फेस वॉश विद ग्लूटाथियोन। और तीसरा है एज फाइन सोप, और वो भी सेम स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग विद द पावर ऑफ एल ग्लूटाथियोन। तो ये तीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स आती है, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन आते हैं, इस तरह की एस्कॉर्जेड नाम की ग्लूटाथियोन की टैबलेट आती है, ग्लूटोन 1000 नाम की ग्लूटाथियोन की टैबलेट आती है जिसको पानी में घुला के पीना होता है, एफरवेसेंट टैबलेट, जैसे झाग और बुलबुले बनते हैं। सुबह खाली पेट, क्योंकि सुबह खाली पेट इसलिए लेना होता है ताकि उसमें जो 1000 मिलीग्राम ग्लूटाथियोन है वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए सुबह खाली पेट लेना होता है। ये उसका टैबलेट का लेने का तरीका है। क्रीम का तरीका है लगाने का, फेस वॉश, जैसे आम फेस वॉश जो है वो हम यूज़ करते उसी तरह से फेस वॉश यूज़ करना है। साबुन जो है वो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हम पूरे बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते। पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो फेयरनेस है, जो आपको गोरापन जो है वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेहरे पे दिखाएगा। कैसे लगेगा कि अगर आपका चेहरा गोरा हो रहा हो और आपकी बाकी की बॉडी जो है वो सावली हो रही, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, और जो टैबलेट है वो टैबलेट पानी में घुला के ले सकते हैं। तो ऐसे चार प्रकार है
इंजेक्शंस का मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, इंजेक्शन जो है वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके स्किन स्पेशलिस्ट, आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है उनके साथ डिस्कस करके ही आपको करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो, वरना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सावलेपन के वजह से लोगों के जो है वो एंगेजमेंट नहीं होती, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कॉलेज में कॉन्फिडेंस चला जाता है, कहीं आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको एक अलग से नर्वस फील होता है, बाकी के लोग इतने अट्रैक्टिव और गोरे दिख रहे होते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट होने की वजह से भी टैलेंट होता है, लेकिन फिर वो क्या होता है कि वो टैलेंट कम दिखाई देता है क्योंकि आप अपने आप को सावला महसूस करते हैं, आप अपने आप को आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते, ग्रुप में आगे नहीं आते। अगर आप यही चीज़ आपके दोस्तों को बताते हैं कि भाई मुझे गोरा होना है तो वो मजाक उड़ाते हैं, अगर आप यही चीज़ आपके बड़े बुजुर्गों को बताते हैं तो वो हल्दी, नीम, तुलसी, अदरक, नींबू, ऑरेंज, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब पूरी की पूरी सब्जी मंडी, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो, अरे यहाँ तक के गौमूत्र पियो, मतलब वो अच्छी चीज़ है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप, मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं, वो हर चीज़ आपको बताएंगे गोरा होने के लिए ये करो, गोरा होने के लिए वो करो। देखो गोरा होना, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तब उसका स्किन का जो कलर होता है वो टोन रखता है, वो धीरे 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 डार्क होते जाता है, चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सन एक्सपोजर, मतलब बाहर की दुनिया में वो निकलता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सन एक्सपोजर, धूप के सामने आता है। अब ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा अगर धूप के आप सामने आओ तो फिर क्या होता है कि स्किन के अंदर मेलानिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है, मेलानिन नाम का प्रोडक्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर हद से ज़्यादा, मतलब जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो आपकी स्किन जो है वो सांवली दिखाई देने लगती। अब मेलानिन का तो अपना अलग से काम है, उसके लिए हम अलग से टॉपिक बनाए, लेकिन ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होने की वजह से वो स्किन, और आप और ज़्यादा सन एक्सपोजर करते हो तो वो टैन हो जाती, उससे कभी कभी स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इंडिया में तो इतनी धूप खराब आती है, मतलब क्या बताऊँ कि अब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन सनस्क्रीन लोशन कितने SPF का लगाए वो कौन बताएगा, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको जानकारी देंगे। तो इसी तरह से जो एल्ग्लूटाथियोन टैबलेट का इन्वेंशन हुआ है उसमें आपको टैबलेट, क्रीम, सोप, फेस वॉश और इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं जो मेलानिन फॉर्मेशन को कम करती है। धीरे धीरे जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस हुआ है, जैसे आप बच्चे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, बाहर फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे, आप देखिए लड़के थोड़े से ज़्यादा सांवले होते हैं लड़कियों के हिसाब से, क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको सन एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, उसी की वजह से वो ज़्यादा सांवले दिखाई देते। तो बस यही चीज़ होती है कि जो मेलानिन फॉर्मेशन बढ़ गया है स्किन के नीचे उसको घटाना, वो काम करता है एल्ग्लूटाथियोन। अब एल्ग्लूटाथियोन की रिसर्च कैसे हुई, तो एक्चुअली एल्ग्लूटाथियोन जो प्रोडक्ट थी वो लीवर टॉक्सिकोलॉजी में यूज़ की जाती थी, लेकिन फिर डॉक्टरों को ये चीज़ ध्यान में आई, ये चीज़ पता चली कि हम जिस लीवर पेशेंट्स में ये एल्ग्लूटाथियोन की मात्रा दे रहे, डोज दे रहे, उनका जो कलर है वो धीरे धीरे फेयर हो रहा है, वो गोरे हो रहे, इसका मतलब कि उसी की जो एक दूसरी इफ़ेक्ट थी वो डॉक्टरों को पता चली कि ये, अब इसी इफ़ेक्ट का कंपनियों ने जो है वो दूसरे इस काम के लिए फ़ायदा उठाया। तो आजकल ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट एल्ग्लूटाथियोन टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते। अब ये एल्ग्लूटाथियोन टैबलेट की प्राइसिंग क्या है, फेस वॉश की प्राइस क्या है, वो हम आपको बताएंगे। अब एज फाइन जो क्रीम है उसकी MRP है ₹350, जिसमें आपको डिस्काउंट काट के वो ₹320 तक मिल जाती है। उसी तरह से ये एज फाइन फेस वॉश जो है उसकी MRP है ₹250 60 ml का, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट काट के ₹220 तक मिल जाती है। तो सेम चीज़ है एज फाइन सोप, एज फाइन सोप की MRP है ₹160, जिसमें आपको डिस्काउंट काट के ₹140 तक मिल जाती है। उसके बाद एस्कोर जेड टैबलेट जो आज हमारे पास है उसकी MRP है ₹358 फॉर 20% टैबलेट, मतलब कि ये बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको, ₹358 में अगर आपको 20 टैबलेट दे रहे हैं
तो 18 रुपये में एक टैबलेट आपको पड़ती है, मतलब कि अगर गोरा होने के लिए 18 रुपये खर्चने पड़े तो वो कोई बुराई नहीं है उसमें, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, आप इसको ओवर द काउंटर ले सकते हैं। इस क्रीम के आगे पीछे ऐसा कोई भी शेड्यूल वार्निंग नहीं लिखी हुई है कि इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं या अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन से ही लेना है, आप इसको ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हैं। आप आपके नज़दीकी फार्मासिस्ट या रिटेल मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप, दवाई की दुकान पर जाके आप कह सकते हैं कि मुझे एल-ग्लूटाथियोन टैबलेट, सोप, क्रीम, फेस वॉश ये दीजिए, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन, आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चन, आपकी क्वेरी जो भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको कौन से नए और वीडियो, नई मेडिसिन की जानकारी चाहिए, हम फिटनेस के बारे में, हम हेल्थ एड्स के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद हमारे जितने भी लेटेस्ट अपलोड वीडियो है वो आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you.